हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जो बैकग्राउंड में शोर आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब हम अपने दोस्तों से काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो सोचते हैं कुछ शाला करेंगे, कुछ एडवेंचर करेंगे, और लड़कों का नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार एडवेंचर के चक्कर में हम कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसका जो परिणाम होता है उसको हम ज़िंदगी भर नहीं भुला पाते। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी दो दोस्तों की है। चलिए सुनते हैं उनकी ये कहानी। मेरा नाम आकाश है और ये कहानी एक सच्ची घटना है जो मेरे और मेरे दोस्त शिवम के साथ हुई थी। जब मेरा दोस्त अमेरिका से वापस आया तो वो सीधा मुझसे मिलने मेरे घर आ गया। वो अमेरिका में फिज़िक्स की स्टडी कर रहा था। उसने आते ही मुझसे गले मिला। मैं भी उसे देखकर काफ़ी खुश था। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब वापस आया? मुझे बताया भी नहीं। तो उसने बोला, यार आज ही वापस लौटा हूँ और तुझे ये सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए बताया नहीं। और बता, क्या हाल चाल हैं और घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है और तेरी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया में वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों खूब मस्ती करेंगे जैसे बचपन में क्या करते थे। मैंने कहा, ठीक है ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाया, खूब सारी बातें की, फिर हम बाइक पर घूमने निकल गए। रास्ते में मैंने हमारे गाँव के पुराने मंदिर के पास बाइक रोक दी। मैंने बोला, शिवम, क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तेरा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया, मंदिर? मैंने बोला, तू चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। क्या क्या बकवास कर रहा है, मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? भाई, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी होती हैं ये सब। चल यहाँ से कहीं और अच्छी जगह चलते हैं। तो फिर मैंने बोला, नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह सच में प्रेत आत्मा रहती हैं, कई लोगों ने देखा भी है। शिवम बोला, क्या तूने कभी देखा है या ऐसे ही लोगों की बातों में विश्वास कर लिया? तो मैंने बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं और पता लगाते हैं क्या सच में यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। फिर हमें वहाँ मंदिर का पुजारी दिखा जो एकदम चुपचाप बैठा था। ऐसा लग रहा था कि उस पुजारी ने हमें देखा ही नहीं है। फिर हम पुजारी से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने फिर से बोला, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास भूत प्रेत रहते हैं। ये सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी, ऐसा क्या है यहाँ? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे की तरफ ले जाने लगा, तो हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही हम अंदर गए तो उस पुजारी ने कमरे को बंद कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त भी हम घबरा गए।
ये आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन वो पुजारी कुछ नहीं बोला। जब हमने उस कमरे में चारों तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए। वहाँ उस कमरे में कई सारे कंकाल पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। अब हमें यकीन हो गया था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और एक कोने की तरफ ले जाने लगे। हमने डरकर जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। इतने में वो पुजारी एक बड़ी सी तलवार लेकर आ गया। शायद वो लोग हमारी बलि देने वाले थे। फिर उन तीनों ने कमरे में आग जला दी और मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ये सब देखकर हम जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने हिम्मत जुटाकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने काफ़ी सारे लोग खड़े थे। वो लोग कहने लगे कि कौन हो तुम दोनों, सच बताओ, यहाँ चोरी करने आए थे? वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर मेरे दोस्त शिवम ने कहा, क्या आप लोगों को लगता है कि इस मंदिर में हम कुछ चुराने आएंगे? फिर मैंने उनको सारी बात बताई जो हमारे साथ बीती थी। लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। ये मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है और यहाँ कोई पुजारी नहीं है, अब कभी यहाँ मत आना। ये सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हमें यकीन हो गया था जो हमने देखा वो इंसान नहीं थे बल्कि प्रेत आत्मा थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों हमें देखकर शैतानी हंसी हंस रहे थे। फिर मैं और मेरा दोस्त जल्दी से बाइक लेकर निकल गए। उस घटना को आज भी सोचता हूँ तो डर से सहम जाता हूँ। तो ये थी आज की आकाश और शिवम की कहानी। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो और सामना हुआ हो किसी प्रेतात्मा से? आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा और ईमेल भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।